एक छोटा सा मिस्टेक लास्ट टाइम ये स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया एग्जाम टाइम में जस्ट बिकॉज फॉर्म फिलअप में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या कैसा हुआ तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं फॉर्म फिलअप के दौरान आपको फोटो अपलोड करना पड़ता है सीबीएसई खुद गाइडलाइन प्रोवाइड करता है दिस इज द गाइडलाइन आप देख सकते हैं तो ये गाइडलाइन को आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक पॉइंट को डिस्कस करके सो दिस इज लाइक वन पेज का नोटिस है वो सेम पेज में दिया गया है जहां पे सर्कुलर आया है कब क्या एग्जाम होगा वहां पे सबसे पहले आपको फोटो के बारे में बताया गया कि फोटो होना चाहिए बट फोटो के बारे में डिटेल एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं। लाइव एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसा फोटो अपलोड करना है और अगर आप मेरे से फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एडी क्लासेस डॉट वर्सल डॉट एप का वो हमारा वेबसाइट का लिंक है मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ आप सिंपल क्रोम में जाइए और क्रोम में सर्च करिए डी क्लासेस डॉट वर्सल डॉट एव आप इस में पहुंच जाएंगे यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर प्राइवेट फॉर्म फिलअप क्लिक टू ज्वाइन वी आई पी सब कुछ मिलेगा एक काउंट डाउन टाइमर भी मैंने रिसेंटली एड किया है वो काउंट डाउन टाइमर में अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा जो प्राइवेट स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप कितने दिन में शुरू होगा अठारह सेप्टेम्बर को शुरू होने वाला है सो ये यह आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा फॉर्म फिलअप ओके और आगे बात करते हैं फोटो के बारे में सो so, फोटो में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो यह है कि द तो फोटो शुड बी इन फुल कलर एंड ऑफ हाई क्वालिटी टू तो अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल्स मतलब फोटो का क्वालिटी सही होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप कोई ब्लर्ड फोटो डाल रहे हो लो क्वालिटी फोटो डाल रहे हो जिससे फोटो का क्लैरिटी खराब हो जाएगा फोटो मस्ट बी टेकन इन द लास्ट सिक्स मंथ्स फोटो का जो क्लिक किया गया टाइम होना चाहिए वो छे महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए छह महीने के अंदर अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा सेप्टेंबर है September से छह महीने पीछे आप चले जाओ उतने टाइम में ही आपका फोटो क्लिक किया गया होना चाहिए और कहीं पे भी पूरे नोटिस में नहीं लिखा गया है कि फोटो के ऊपर आपका नाम होना चाहिए फोटो के ऊपर डेट लिखा होना चाहिए किस दिन फोटो क्लिक किया गया था हालांकि कुछ लोग वो ऐड कर देते हैं और वो फोटो अपलोड करते हैं बट नो वेर इट इज मैंशनड ठीक है दैट इज थिंग और जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि स्कूल टाइम में जो आपको फोटो वगैरह मांगा जाता था वहां पे फोटो में आपका नाम और डेट्स बोला जाता था बट ये फॉर्म को आप खुद अपलोड करोगे फॉर्म में फोटो को खुद अपलोड करोगे तो कोई भी आपको डेट और नेम की जरूरत नहीं है सो so पहला पॉइंट क्लियर हो गया सही क्वालिटी होना चाहिए क्लियर होना चाहिए कोई तो पिक्सलेट नहीं होना चाहिए पिक्सल से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो का जो साइज होगा जो आप अपलोड करोगे वो चालीस केबी के अंदर होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर दोनों सिग्नेचर के लिए ये गाइडलाइन है कि वो व्हाइट पेज पे होना चाहिए ब्लैक या ब्लू इंक से आप साइन कर लो रेड ग्रीन ये सब मत यूज करो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है ब्लैक या ब्लू पेन से आप साइन करो व्हाइट पेज में रूल पेज में भी नहीं सिग्नेचर का हो गया और दोनों का जो साइज होगा वो फोर्टी के से कम होना चाहिए आपको साइज कम करना नहीं आता मेरे से कराते हो तो मैं सब कुछ कर लेता हूं ध्यान रख के आपका फॉर्म फिलअप सही से हो रहा हो फोटो साइज सही से आ रहा हो शुड बी पोजिशन डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा सेंटर्ड एंड कंपोज 80% ऑफ़ द इमेज ये इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक स्टूडेंट का तो यहाँ पे देखो ये फोटो में दिस इज लाइक एक्चुअल स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होता है जहाँ पे हेड पोर्शन देखो जो हेड का पोर्शन है दैट इज एट्टी और बाकी जो पोर्सन है नीचे वो ट्वेंटी तो हेड शुड बी सेंटर्ड स्ट्रेट आप कैमरा में देखना चाहिए ऐसा नहीं कि साइड वाइड देख रहे हो आप सेल्फी भी नहीं लेना चाहिए किसी और को दे दो वो फोटो क्लिक कर लेगा आपका हेड 80 ऑफ द इमेज होना चाहिए और बॉडी जो है आपका ओनली 20 दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे ये ठीक है एक एग्जाम्पल एक ये मैंने आपको बताया यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ये यहाँ पे भी देखो हेड एट्टी है ट्वेंटी बाकी बॉडी है एक और स्टूडेंट का मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा फोटो आपको नहीं डालना है जहां पे आप खड़े होके पूरा फोटो फुल बॉडी फोटो आप डाल रहे हो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ओके आपको बस फेस शुड बी प्रॉपरली विजिबल एंड क्लियर ये क्यों बोला जा रहा है इसका रीजन ये है जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट करोगे एडमिट कार्ड में आपका फोटो रहता है और वही फोटो लेके आप एग्जाम सेंटर जाते हो लास्ट टाइम क्या हुआ वो गलती उस स्टूडेंट के साथ उसने फोटो के जगह पे सिग्नेचर डाल दिया और सिग्नेचर के जगह पे भी सिग्नेचर डाल दिया तो दोनों जगह सिग्नेचर आ गया पेज भी उसी हिसाब से डाउनलोड हुआ जब एडमिट कार्ड आया फोटो के जगह पे उसका सिग्नेचर आ गया तो जब एग्जाम सेंटर में वो गया तो उसको उसको पकड़ बोले कि तेरा फोटो क्यों नहीं है तो उसने बोला गलती से मैंने फॉर्म फिलअप किया अब क्या गारंटी है कि तू ही वही स्टूडेंट है और सेकेंड मिस्टेक उसने ये कर दिया कि वो आधार कार्ड भी लेके नहीं गया था एग्जाम सेंटर तो आधार कार्ड भी लेके नहीं जाओगे तो आपका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगा और कोई आधार कार्ड लेके भी जाता है तो वहां पे कितना पुराना फोटो रहता है स्कूल टाइम बचपन वाला फोटो रहता है तो फिर वो भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो उसको मतलब कॉल वॉल करना पड़ा फिर वापस कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ा तब जाके उसको अलाव हुआ कितना टाइम वेस्ट हुआ एग्जाम में तो वैसे ही ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है और इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो और प्रेशर बढ़ जाता है सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपना लेटेस्ट फोटो डाल लो जैसे आप दिख रहे हो वही फोटो आप एडमिट कार्ड में आना चाहिए आधार कार्ड भी अपडेट कर लो लेटेस्ट वाला आधार कार्ड लेके चले जाना ओके okay? नेक्स्ट अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें यहां पे बोला जा रहा है द फोटो शुड कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अब टॉप ऑफ द हेयर टू द मिडिल ऑफ द चेस्ट मतलब जो फोटो होगा वहां पे आप सेंटर फेस फोकस करना चाहिए और उसके अलावा सर के ऊपर थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ना स्पेस मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली पूरा क्रॉप फोटो डाल रहे हो जहां पे पूरा हेड आ जा रहा है थोड़ा स्पेस होना चाहिए। और चिन के नीचे तक थोड़ा सा विजिबल होगा तो फोटो विल बी नाइस नेक्स्ट हैव नेचुरल एक्सप्रेशन स्माइलिंग इज फाइन आप कोई भी अलग इधर उधर का एक्सप्रेशन मत देना मेक श्योर sure कि आप स्माइल कर रहे हो और स्माइल नहीं भी करोगे जस्ट सिंपल आप कैमरा में देखते हो दैट इज ऑल्सो फाइन नेक्स्ट द सब्जेक्ट और द कैंडिडेट इज इन क्लियर फोकस एंड डिस्टिंग्विशल फ्रॉम द बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड से आपका जो फोटो uh, है आपका जो फेस है वो डिस्टिंग्विश होना चाहिए अगर फेस के कलर का ही आप बैकग्राउंड कलर चूज कर लेते हो तो फिर डिस्टिंग्विश नहीं होगा या फिर ज्यादा लाइट आ जाता है फ्लैश लाइट आता है पूरा ब्राइट हो जाता है देन ऑल्सो इट विल नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल तो फिर आपको क्या फोकस करना है कि प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए बैकग्राउंड के बारे में भी नेक्स्ट पॉइंट है सोलिड कलर बैकग्राउंड सॉलिड कलर में क्या हो सकता है वाइट हो सकता है ब्लू हो, हो सकता है ऐसे जनरली कलर यूज होते हैं फोटोग्राफी स्टूडियो में तो मेक श्योर की आप भी वैसा ही कोई बैकग्राउंड चूज कर रहे हो या फिर घर पर कोई दीवार है प्लेन कलर का ही होता है जनरली और दीवार के सामने जाके खड़े हो जाओ किसी को बोलो वो आपका फोटो क्लिक कर लेगा क्रॉप करके फेस और थोड़ा सा नीचे क्रॉप uh, करके आप उसी फोटो को डालना साइज फिर बाद में आप कॉम्प्रेस कर लेना बाकी इधर उधर का एनवायरमेंट आ रहा हो टेबल चेयर दिख रहा हो बेड दिख रहे हो ऐसा नहीं आना चाहिए फोटो करेक्ट नेक्स्ट आईज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा आंख खुला होना चाहिए और आप कैमरा में देखना चाहिए मैंने बताया ना काफी लोग साइड में देखते हैं कुछ भी डाल देते हैं मतलब आप बिलीव नहीं करोगे आप शायद थोड़े से मतलब स्मार्ट हो इसीलिए आप सोच रहे हो क्या बात कर रहे हो आप बट लिटरली मैं फॉर्म फिलअप करते टाइम मुझे ऐसे फोटो भेजते हैं जो वो साइड में इधर उधर देखते रहते हैं मैं उनका फोटो नहीं दिखा सकता बट मेरे फोन के गैलरी में है वो इधर उधर, उधर देखते हैं विच इज लाइक नॉट प्रोफेशनल प्रोफेशनल मतलब क्या होता है आप सिंपल फॉर्मल कपड़ों में हो और यूनिफॉर्म होता सही है नहीं भी रहेगा तो फॉर्मल कपड़ों में घर के कपड़ों में भी प्लेन बैकग्राउंड आप कैमरा में देख रहे दैट सेट कोई सेल्फी लेके डाल रहा है कोई ऐसे मोड़ के फोटो खींच रहा है तो दैट इज नॉट लाइक ऑफिशियल फॉर अपलोडिंग देन ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड अनलेस वर्न डेली फॉर मेडिकल पर्पजेस चश्मा निकाल के फोटो क्लिक करो दैट्स गुड बट अगर चश्मा पहन भी रहे हो ऐसे ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए अगर मेडिकल पर्पज के लिए पहन रहे हो आंख आपका खराब है पावर लेंसेज आप यूज करते हो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए ताकि आपका आंख दिख सके आप क्लियरली विजिबल हो लास्ट पॉइंट इज द इंडिविजुअल फुल फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल पूरा फेस दिखना चाहिए ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आधा कट हो गया आप यहां से ऐसे कर रहे हो नो एंटायर फेस शुड बी विजिबल ओके सो दैट इज द गाइडलाइन फॉर फोटो अपलोडिंग सिग्नेचर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं सिग्नेचर में फिर से मैंने अभी बताया था फिर से बता देता हूं व्हाइट पेज में ब्लू या ब्लैक कलर पेन से फुल सिग्नेचर जो आप करते आ रहे हो ऐसा नहीं कि काफी लोग इनिशियल जैसे आकाश है तो ए करके ऐसे गोल गोल ऐसा नहीं है पूरा आपका नाम लिखो फुल सिग्नेचर जो आप करते हो फुल सिग्नेचर लिखो जो आप स्टैंडर्ड करते आ रहे हो वो सिग्नेचर आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है और कंफर्मेशन पेज में भी रहेगा एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं रहता है बस फोटो रहेगा सो फोटो को ध्यान से अपलोड करना ताकि कि किसी का भी एग्जाम के दिन टाइम वेस्ट ना हो दैट्स इट सो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यहां तक देख चुके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच